सुप्रभात, मैं धनंजय कुमार महतो वर्ग सप्तम के लिए हिंदी में गिल्लू शीर्षक पाठ, जो कि महादेव वर्मा द्वारा रचित पाठ है, उसका पहला और दूसरा भाग मैंने पहले दो क्लास में बता चुका हूँ। आज मैं तीसरा भाग बताने जा रहा हूँ। गिलहरी, जो गिल्लू के नाम से प्रसिद्ध है, महादेवी वर्मा को लगा कि वह अब बड़ा हो गया है। तब वह गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए लेखिका को लगा कि मुक्त करना आवश्यक है। तब उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वह जब पिंजरा में बंद था तो वह घुटन सा महसूस करता था, और जैसे ही वह पिंजरा से बाहर निकला वह मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी, क्योंकि उनके परिवार में 12 सदस्य थे और वहाँ कुत्ते बिल्लियाँ भी थी, तो उस छोटे जीव को कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी आवश्यक था। अनावश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर पर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित का क्रम हो गया। जैसे लेखिका लौटती वह गिल्लू निकल जाता और सर से पांव तक एक बार ऊपर से नीचे हो जाता, यही उसका नित क्रिया बन गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूमने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उनमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पत्ते की चुन्नट में, तो कभी संजूरी की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे लिए साथ मेरा थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। जितने भी थे कोई नहीं खाते साथ में, लेकिन गिल्लू खाने की हिम्मत रखता। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उनका प्रिय खाद्य पदार्थ था। गिलहरी का प्रिय खाद्य है काजू, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, यानी कि काफ़ी लगाव था और वह खाना पसंद नहीं करता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने तक बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता कि उनका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता, यानी कि अस्वस्थता के दिनों में वह काफ़ी सेवा करता। इस तरह से हम पाते हैं कि पशु पक्षी भी, छोटे जीव भी दुख के समय किस तरह से उपचार वगैरह करते हैं। आज मैं इतना ही पढ़ाकर यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में मैं इसे पूरा करूँगा। धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट करना, रोल नंबर लिखना न भूलना। धन्यवाद।